राजा तेरे हकों में वो है वो। वो क्या माजी? वो जो अमल बाबा के पास होता है ना। मक्कल? नहीं मक्कल नहीं, वो जो दूसरों पे करता है। तावीज माजी? मेरे घर में कोई अमल तावीज और जादू करने की कोई बात नहीं होगी, समझे? हाँ, जादू तेरे हाथों में जादू है राजा। हाँ भी माजी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब बस एक काम करो, दोपहर के खाने में ना 5-6 डिशे बनाना, ज्यादा ना बनाना, तकल्लुफ नहीं करना कोई भी। सुनो 2 मीठे भी बना लेना, अरे मीठे के बगैर तो खाने का मजा ही नहीं आता ना। यार बस भी करते हैं आप लोग, जब से आए हैं खाने ही खाए जा रहे हैं। ठीक कह रही है रुखसाना, मैं भी खा खा के थक गई हूँ, चल चल के शॉपिंग करें। पापा जी 10-20 हजार रुपए दे देना प्लीज शॉपिंग के लिए। माँ जी मेरे पापा हैं। हाँ तो तेरे पापा मेरे पापा रुखसाना। ये खूबसूरत है। ऐसे तो ना कहे पापा जी, बेटियों में ना ज्यादा फर्क नहीं करना चाहिए, मैं भी खूबसूरत हूँ, दे देना प्लीज पैसे 10-20 हजार। तुम्हारा पापा नहीं हो? मुझे तो देना पापा जी। थैंक यू पापा जी। यार महमूद साहब मैंने सोच लिया है, गाड़ी बुक करते हैं, चलते हैं फूड स्ट्रीट, वहां जाके खाएंगे क्रीमे वाले नान और साथ कटाकट और लस्सी का बड़ा गिलास। मैंने ना नारकली जाना है शॉपिंग करने, उसके बाद मैं दाता दरबार साहब का लंगर खाने जाऊंगी, इतनी मजे की चने की बिरयानी होती है। ओहो बस तो फिर मैं भी लंगर ही खाऊंगा भाई, ये पैसे ना मैं बचा लेता हूं। यार मैं मुसाफ का जूसी की हद होती है वैसे। क्या हो रहा है नबील? देखो ना जानू, माँ जी और महमूद साहब किस तरह कंजूसी का मुजाहरा कर रहे हैं यार। पापा जी ने जो पैसे दिए दबा के बैठ गए हैं। और जानू तुम बस सिर्फ एक काम करो, तुम पापा जी से कहो जितने दिन हम यहाँ हैं ना, बस रोज हमें 10,000 रुपया फीकस वो जेब खरीदे दिया। कोई शाबाश है, फिर तो मैं आराम से 5-6 महीने इधर ही रहूंगी ताकि कुछ पैसे जमा हो जाएं, फिर मैं इफ्तिखार के साथ मरी जाऊंगी। अरे कौन इफ्तिखार भाई? आप और कौन? कोई कहीं नहीं जा रहा, हम सब आज ही कराची के लिए वापस निकल रहे हैं। ये क्या बात हुई, अभी तो हम आए थे, कुछ महीने तो मुझे पापा जी की खिदमत करने दो ना। पापा की खिदमत? नबील तुम तो जब से यहाँ आए हो तुमने हिल के पानी तक नहीं पिया। वो तो मैंने मना किया था कि हिल के पानी नहीं पीना, फंदा लग जाता है। जो भी हो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है, इसलिए पैकिंग शुरू कर दे। भाई पापा की सर्जरी हो गई है, सब ठीक है, अब मैं उन्हें मजीद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ओके स्टार्ट पैकिंग। मेरी खुशियों को तो किसी की नजर ही लग गई है माँ जी। पुत्र मेरी नजर तो बड़ी कमजोर है, ये यकीनन फारूक की नजर लगी होगी तुझे। कौन फारूक माँ जी? ये तेरे फूफा जी बैठे ना सामने। अरे भाई मैं इसका बाप हूँ मुमताज। अच्छा मुमताज भाई, आप बुरा तो ना माने प्लीज। ओ माँ जी अब घर जाने की तैयारी करें यार, क्या था अगर सचमुची पापा जी टपक जाते। मुझे नहीं लगता शगुफ्ता का पापा इतनी आसानी से मरने वाला है। भाई मर तो सकता है अगर हम चाहें तो। महमूद साहब आप ये चाहते हैं कि मैं अपने पापा जी का मर्डर कर दूं? इतना संग दिल नहीं हूं मैं सिर्फ उनके मर्डर का प्लान बना सकता हूं। देखा मेरा पुत्र कितना हसास है। अरे हाँ देख लिया है कितना हसास है ये। देखो हम सब ना बारी बारी ट्राई करते हैं, और याद रखना है सबने कि हमने कत्ल का इल्जाम राजा पे लगाना है। ठीक है माँ जी, सबसे पहले आप जाएं और जाके पापा जी को गहरी नींद सुला दे। पुत्र लोरी सुना के उस मोटे को सुला दूंगी, मेरी आवाज बड़ी सुरीली है, बिल्कुल लुमड़ी जैसी। कोयल जैसी मुमताज, कोयल जैसी। ओए कौन है ये कोयल जैसी मुमताज जिसे आप मेरे सामने याद कर रहे हैं? अरे मुमताज तुम हो यार, और तुम्हें सदीकी साहब को लोरी नहीं देनी है, अरे खून करना है खून। बस इतनी सी बात, ले ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगी। तुम लोग अपने अपने नाक लाओ इधर। नाक? हाँ। देखिए सुल्तान साहब। कौन सुल्तान साहब? सुल्तान साहब तो मैं आपको कह रही हूँ। मैं सुल्तान नहीं हूँ, मेरा नाम सिद्दीकी है। ओचो मैं तो जी सुल्तान साहब के लिए शरबत लाई थी। ओए लेकिन ये तो चाय है। लो जी मौजा हो गया, वो किचन से लाते लाते ना चाय बन गई है, आपके वफादार मुलाजिम ने बनाई है। मुझे इस वक्त चाय नहीं पीनी। ऐसा ना करें फिर हमारे प्लान का क्या होगा। प्लान? कौन सा प्लान? वो जो वकील ने बनाया। वकील?
घी और तुमने मुझ पर केस करने लगे हो? ये तो नहीं बताया, बस इतना कहा था कि आपको ये दूध पिला दूंगा। ओ ये दूध नहीं है, चाय है। हाँ ये दूध वाली चाय आपको पीनी पड़ेगी। ले नहीं पीनी मैंने। ले ले। और नहीं पीनी। अरे ये आपने क्या किया है? इतनी मुश्किल से मिला था। क्या चाय का कप? नहीं नीला तो था। क्या ये देखो ये क्या है? हाँ ये तो केचप की बोतलें लग रही हैं। आप ऐसा करें चिप्स ले आएं जल्दी से। ओहो ये केचप की बोतल नहीं है बेवकूफ औरत, ये टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब? ये टाइम बताता है अफ्ताखार? नहीं ये टाइम नहीं बताता। अच्छा तो फिर ये मुस्तकबिल का हॉल बताता है। जरा जल्दी से पूछे ना कि मुझे हुमायूं सईद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो माँ जी ये बॉम्ब है, बॉम्ब ये पापा जी को उड़ा देगा। मुझे भी उड़ना एक फील। ओ माँ जी समझने की कोशिश करें, ये टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब। इधर फटा उधर पापा जी का गेम फिनिश। तो ठीक 2 बजे पापा जी नहाने के लिए जाते हैं, जैसे ही पापा जी बाथरूम में जाएंगे पानी बंद कर देंगे उनका। हाँ नहीं हम ये टाइम बॉम्ब उनके कमरे में रख देंगे, बस 1 मिनट में गेम खत्म। जब खेल खत्म हो जाएगा तो हम खेलेंगे क्या इश्फाक? फिर माँ जी हम करोड़पति करोड़पति खेलेंगे। हाँ। सारी जिंदगी। हाँ। चीज मेरे अजीज आओ मेरे साथ में। आओ, 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 आओ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी। ये कारतूस तो बिल्कुल बेकार निकला आपका। ये कारतूस नहीं बॉम्ब है, बॉम्ब। और कभी देखे सही मैमू साहब, ज्यादा टाइम तो नहीं लगा दी थी उसको? यानी बेल ये बॉम्ब चल क्यों नहीं रहा? मैमू साहब मुझे लगता है आपको कोई चूल्हा लगा गया है, इसीलिए बड़े गोरे गोरे लग रहे हैं। तो माँ जी मेरा मतलब है ये बॉम्ब नकली था यार। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता नबील, मैं अभी जाके देखता हूँ। जाए जाए यार जाए। पापा के कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं जानो, कुछ नहीं। धमाके का इंतजार। धमाका? नबील बम चल गया। मम्मू साहब आप पापा जी गए? पापा तो मेरे कमरे में, उनका एसी नहीं चल रहा था। हो ईशा वशे इसका पापा फिर बच गया। बच गया मतलब? नबील ये सब क्या चल रहा है? ले हमने तो कोई प्लानिंग नहीं की। नबील किस किस्म की प्लानिंग की बात कर रही है माँ जी? कुछ नहीं जानू पापा जी, कसम कुछ भी नहीं है माँ जी। मैं मुझे